गोकुल एग्रो, इसके बारे में जानना है पार्थ पटेल जी को फिर से। आपका ये प्रोग्राम है ना, मुझे इतना स्टॉक सिखाता है, मैं अंदाजा नहीं बता सकता आपको कितना फायदा होता है, पता नहीं, मुझे तो गजब फायदा होता है। अब मेरे जो मेथड हैं उसमें मैं इतने सारे स्टॉक्स तो ढूंढ ही नहीं सकता, लेकिन बहुत बहुत अब अच्छा इन्होंने लगता है खरीद एक। रखा है, 112 इनका खरीद भाव है, और कह रहे हैं इसमें भी कि जब तक कहेंगे तब तक रख सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, नहीं मेरे कहने से मत रखिएगा, फिर मेरे लिए तकलीफ है भाई साहब। मैं आपको जो दिखता है थियरी के हिसाब से वो बताता हूँ, दैट इज 110। आपने 112 पे खरीदा है, 110 इज दी सपोर्ट। नहीं शायद चेंज हो जाएगा, आज का सपोर्ट है 107। ओके, जब तक ये 107 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक ये राइज वैलिड है और आप 125 तक देख सकते हैं। तो 107 एंड 125 ये रेंज है मेरे पास फिलहाल आपको गाइड करने के लिए। ये दोनों रेंज के बियॉन्ड या बिलो ही कुछ फर्दर मूवमेंट बड़ा होगा। जी, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि समय सीमा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा लंबा राइड करना चाहते हैं, तो वैसे में क्या कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अलग लेवल्स बनेंगे, या इन्हीं लेवल्स पे ध्यान रखें अभी भी? अंडर ऑल प्रोबेबिलिटी 107 को थोड़ा सा 104 तक ले जाइए ऑन क्लोजिंग बेसिस, बट उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा फिर वो तरीका मतलब मेथड को हम चैलेंज करेंगे अपने, वो मेथड को चैलेंज करना ठीक नहीं। जी, तो अगर आप लंबे समय के लिए भी रहना चाहते हैं तो भी 104, और अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 107, ये आपके लिए दो लेवल्स रहेंगे जहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना है। बाकी फिर आप ऊपर की उम्मीदें रख करके अगर चाहें तो इनमें बने रह सकते हैं। बाकी खुद अपनी खोजबीन कीजिए, खुद अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसके हिसाब से तय कीजिए। तो चलिए, अपना आज का कार्यक्रम, उसकी समय सीमा यहीं पे संपन्न होती है।